सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट नाइनटीन थर्टी तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ये जो टर्म है ये इसको डिफाइन किया गया है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट नाइनटीन थर्टी के सेक्शन फोर सबसेक्शन वन में इसमें डिफाइन किया गया कि ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज ए कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाई द सेलर ट्रांसफर

या तो ट्रांसफर करता है या फिर एग्री करता है कि वो ट्रांसफर करेगा क्या प्रॉपर्टी इन गुड्स मतलब की ऐसी प्रॉपर्टी जो गुड्स के फॉर्म में हो टू बायर बायर को फॉर ए प्राइस तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि सेलर वो ट्रांसफर करता है या फिर ट्रांसफर करेगा बायर को प्रॉपर्टी जो कि गुड्स में हो एक प्राइस पे तो इसी को क्या कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स ठीक तो अब हम देखेंगे कि इसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के इसेंशियल एलिमेंट्स या एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स तो देयर मस्ट बी एटलीस्ट टू पार्टी सेलर एंड बायर तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है सेल का तो वहाँ पे आपको दो लोग तो कम से कम चाहिए एक तो सेलर होगा जो प्रोडक्ट को बेच रहा होगा गुड्स को सेल करेगा और दूसरा बायर होगा जो कि उस गुड्स को लेगा और उसके बदले उसको प्राइस देगा सेलर को ठीक तो देयर मस्ट बी एटलीस्ट टू पार्टीज सेलर एंड बायर देन है सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी गुड्स कवरिंग ओनली मूवेबल गुड्स तो जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स में जो सब्जेक्ट मैटर है यानी कि जिसको ट्रांसफर किया जाएगा या फिर जिसको ट्रांसफर किया गया वो जो है वो गुड्स के फॉर्म में होना चाहिए और ऐसा गुड्स होना चाहिए जो मूवेबल हो मूवेबल गुड्स जैसे फ्रिज वॉशिंग मशीन ठीक है ये सारी चीज़ें क्या हैं मूवेबल गुड्स हैं तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में गुड्स है जो सब्जेक्ट मैटर है वो गुड्स के फॉर्म में होना चाहिए और वो मूवेबल होना चाहिए फिर है तीसरा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि ए प्राइस इन मनी शुड बी पेड और प्रोमिस्ड यानी कि अगर ट्रांसफ़र कर दिया गया है सेलर द्वारा गुड्स को बायर को तो उसके बदले बायर को प्राइस देना होगा और अगर वो सेलर एग्री करता है कि वो ट्रांसफर करेगा इन फ्यूचर डेट किसी फ्यूचर डेट में तो बायर को भी प्रॉमिस करना होगा कि वो प्राइस देगा इन फ्यूचर नॉट इन काइंड यानी कि आपको काइंड नहीं शो करना है आपको जो प्रोडक्ट है जो आ, क्या कहते हैं कि जो प्राइस है गुड्स के बदले में उसके बदले आपको प्राइस यानी मनी फॉर्म में ही देना है यानी कि काइंड में कि आप आप मेरे को ये प्रोडक्ट दे दो तो मैं आपके लिए बदले ये काम कर दूंगा या दूसरा काम करवा दूंगा नहीं आपको पैसा ही देना है फिर है ए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स फ्रॉम सेलर टू द बायर मस्ट टेक प्लेस यानी कि जो गुड्स जो प्रॉपर्टी है जो कि गुड्स के फॉर्म में है वो उसका ट्रांसफर होना जरूरी है ऐसा नहीं कि आपने सेल्स ऑफ गुड्स एड के अंदर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का लेकिन आपने जो प्रॉपर्टी जो कि गुड्स के फॉर्म है उसको आप ट्रांसफर नहीं किए तो वो फिर कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में कोई ना कोई प्रॉपर्टी जो कि गुड्स के फॉर्म में है उसका ट्रांसफर होना जरूरी है कहाँ से कहाँ, सेलर से बायर तक सेलर जो है बायर को प्रॉपर्टी इन गुड्स को ट्रांसफर करेगा बायर उसके बदले उसको प्राइस देगा जो कि मनी के फॉर्म में होना चाहिए एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मस्ट बी एब्सोल्यूट और कंडीशनल यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है वो किसी ना किसी कंडीशन पे होना चाहिए या फिर एब्सोल्यूट होना चाहिए और जो लास्ट इंपॉर्टेंट है कि ऑल अदर इसेंशियल एलिमेंट ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी प्रेजेंट इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल यानी कि जितने भी बाकी इसेंशियल एलिमेंट्स हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के वैलि uh, कॉन्ट्रैक्ट के वो सारे एलिमेंट्स इसमें होने चाहिए तो एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है उसको हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा वहाँ से आप देख सकते हैं तो अगर हम देखें तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का मतलब कि एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जहां पे सेलर जो है वो कोई ना कोई प्रॉपर्टी जो कि गुड्स के फॉर्म में होती है उसको ट्रांसफर करता है या फिर एग्री करता है कि इन फ्यूचर वो ट्रांसफर करेगा किसको बायर को फॉर ए प्राइस प्राइस कैसा मनी के फॉर्म में होना चाहिए नॉट इन काइंड तो यहाँ पे दो पार्टीज कम से कम होती हैं सेलर और बायर होती हैं मूवेबल गुड्स होता है और प्राइस यानी कि मनी होता है और जो जो मूवेबल गुड है वो ट्रांसफर होता है सेलर से बायर की तरफ तो सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल तो सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है सेल को द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में सेक्शन फोर सेक्शन थ्री में डिफाइन किया गया है कि वेयर अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सेलर टू बायर द कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड सेल यानी कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जिसमें कि प्रॉपर्टी जो कि गुड्स के फॉर्म होती है वो ट्रांसफर किया जा चुका है सेलर से बायर को तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को हम क्या कहते हैं सेल कहते हैं ठीक जहाँ पे सेलर ने बायर को जो प्रॉपर्टी है जो गुड्स है उसको ट्रांसफर कर दिया है वहीं पे एग्रीमेंट टू सेल जिसको सेक्शन फोर के सब सेक्शन थ्री में सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट नाइनटीन में डिवाइन किया गया है कि वेयर अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज टू टेक प्लेस एट ए फ्यूचर टाइम और सब्जेक्ट टू सम कंडीशन देअर आफ्टर टू बी फुलफिल्ड द कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड एन एग्रीमेंट टू सेल यानी कि ऐसी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जहाँ पे जो प्रॉपर्टी का ट्रांसफर है गुड्स का ट्रांसफर है वो इन फ्यूचर टाइम टेक प्लेस लगे यानी कि इन फ्यूचर टाइम सेलर जो है बायर को प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करेगा तो ऐसे में उसको हम क्या कहते हैं एग्रीमेंट टू सेल कहते हैं तो अब इसी बात है सेल यानी कि वहां पे जो सेल है जो ट्रांसफर है प्रॉपर्टी का वो ट्रांसफर हो चुका है वो सेल खत्म हो चुका है सेलर ने बायर को प्रोडक्ट दे दिया है और बायर ने सेलर को पैसे दे दिए हैं वो सेल कंप्लीट हो चुका है एग्रीमेंट टू सेल में क्या होता है कि किसी फ्यूचर डेट पर आप मुझे मेरा जो प्रोडक्ट है उसको ट्रांसफर करेंगे और बायर आपको पैसा पे करेगा तो वो एग्रीमेंट टू सेल होता है ठीक तो नॉर्मली इसमें जो है डिफरेंस पूछा जाता है सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल के बीच में तो सेल और एग्रीमेंट के सेल में आप डिफरेंस देख सकते हैं सेल क्या है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट यानी कि यहां ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एग्जीक्यूट हो चुका है यानी कि दोनों ने सेलर ने ने अपने-अपने जो प्रॉमिस थी उसको परफॉर्म कर दिया वहीं पे एग्रीमेंट टू सेल में क्या है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट यानी कि अभी सेलर को और बायर को दोनों को अपना परफॉर्मेंस देना बाकी है सेल ऑनरशिप ट्रांसफर यहाँ पे क्या है कि जैसे भी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हो चुकी होती है यानी कि सेलर ने बायर को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दिया तो ऑनरशिप भी क्या हो गई ट्रांसफर हो गई सेलर से अब बायर के पास ऑनरशिप चली गई यहाँ पे एग्रीमेंट टू सेल में क्या है ऑनरशिप इज टू बी ट्रांसफर यानी कि अभी सेलर ने बायर को प्रॉपर्टी या गुड्स जो है उसको ट्रांसफर नहीं किया तो यानी कि अभी ऑनरशिप ट्रांसफर की जाएगी किसी फ्यूचर डेट पर में क्या है लॉस और डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स इज लाइबिलिटी ऑफ बायर में क्या होता है प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दिया गया है, तो है, है तो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है बायर की है लेकिन एग्रीमेंट टू सेल में क्या है कि अभी जो प्रॉपर्टी है जो गुड्स है वो अभी सेलर के पास है तो जो भी लॉस होगा जो भी डिस्ट्रक्शन होगा उसकी लाइबिलिटी किसकी होगी सेलर की होगी सेल में क्या है कैंस यू फॉर प्राइस नॉट पेड सेल में सेलर ने बायर को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी है तो ऐसे केस में अगर बायर ने पूरा पैसा सेलर को नहीं दिया है तो सेलर जो है वो केस कर सकता है बायर के ऊपर जो भी पैसा पे नहीं किया गया है जो भी प्राइस पे नहीं किया गया है एग्रीमेंट टू तो सेल में क्या है कैंस यू फॉर डैमेजेज ऑनली तो वहाँ पे प्राइस के लिए सीव नहीं कर सकता क्योंकि अभी तो आपने प्रॉपर्टी या गुड्स को ट्रांसफर किया ही नहीं है तो आप वहाँ पे जो भी डैमेजेज होता है उसके लिए आप जो है बायर पे केस कर सकते हैं अगर वो आपका प्रोडक्ट या गुड्स जो है उसको एक्सेप्ट नहीं करता है तो ये सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल होता है हम देखेंगे कंडीशन एंड वारंटीज तो ये क्या होती है कंडीशन एंड वारंटीज तो कंडीशन क्या होता है कंडीशन सेक्शन ट्वेल्व सब सेक्शन थ्री में बताया गया है कि एक कंडीशन इज है स्टूपुलेशन इसल टू द मेन पर्पज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट तो स्टूपुलेशन मीन्स रिक्वायरमेंट तो एक कंडीशन क्या है रिक्वायरमेंट होती है जो कि इसेंशियल होती है मेन पर्पज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट जो आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स करते हैं उसके लिए मेन पर्पज होता है जैसे कि आप सपोज के मोबाइल फोन लेने गए तो आपने कहा कि मुझे फोर मोबाइल चाहिए तो यहां जो मेन पर्पज है मोबाइल परचेज करने का वो है फोर यानी कि आपको फोर जी फोन चाहिए ब्रीच ऑफ कंडीशन अगर आप condition को break करते हैं यानी कि अगर जो आपने कंडीशन दी थी कि मुझे 4G मोबाइल चाहिए तो अगर वो ब्रीच किया जाता है तो फिर आप चाहे तो कैंस कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट कर सकते हैं और डैमेजेस जो भी होता है उसके जैसे आप उसके लिए क्लेम कर सकते हैं वहीं पे वारंटी क्या है सेक्शन ट्वेल्व सब सेक्शन थ्री में ही डिफाइन किया गया है कि वारंटी जो स्टुपुलेशन ये भी एक रिक्वायरमेंट है लेकिन को लेटर टू द मेन परपज़ज़ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यानी कि जो मेन पर्पज होता है कॉन्ट्रैक्ट का उसका को लेट्रल है यानी कि अगर आप सपोज कर ले कि फोर जी फोन खरीदें तो हम ये मान के चलते कि उसमें फोर जी स्पीड आएगा वोल्ट आएगा ये सारी चीज़ें होंगी और वो एक साल तक कम से कम चलेगा तो हम ये को लेटरल मानते हैं तो ये ये भी वारंटी भी एक रिक्वायरमेंट है लेकिन वो को लेटरल टू मेन पर्पज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है यानी कि इसेंशियल नहीं इसेंशियल क्या होता है कंडीशन होता है तो द ब्रीच ऑफ वारंटी गिव राइज टू क्लेम फॉर डैमेजेस बट

ए ब्रीच ऑफ कंडीशन मे बी ट्रीटेड एज ए ब्रीच ऑफ वारंटी अगर आप कोई भी कंडीशन को ब्रीच करते हैं सेलर जो है कोई भी कंडीशन को ब्रीच करता है तो उसको ब्रीच ऑफ वारंटी कंसिडर किया जा सकता है लेकिन ए ब्रीच ऑफ वारंटी कैन नॉट बी ट्रीटेड एज ए ब्रीच ऑफ कंडीशन यानी कि अगर आप कोई वारंटी को ब्रीच करते हैं तो आप कंडीशन को ब्रीच करते हैं ऐसा नहीं माना जाएगा ठीक तो कंडीशन को ब्रीच करने पर आप जो है प्रोडक्ट को कैंसिल कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट कर सकते हैं लेकिन वारंटी को ब्रीच करने पर आप कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट नहीं कर सकते लेकिन हाँ जो भी डैमेजेज है, होते हैं उसकी वजह से उस के लिए आप क्लेम कर सकते हैं तो कंडीशन एंड वारंटीज अब हम देखेंगे वैन कैन ए कंडीशन भी ट्रीट एज ए वारंटी यानी कि कोई कंडीशन है उसको वारंट एज ए वारंटी भी हम ट्रीट कर सकते हैं यानी कि उसको अगर कोई कंडीशन है जिसको वारंटी वारंटी एज ए ट्रीट कर रहे हैं तो उसको ब्रीच करने पे हम जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते सेक्शन थर्टीन में ही है इन द फॉलोइंग केसेज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज नॉट अवॉइडेड इवन ऑन अकाउंट ऑफ ब्रीच ऑफ कंडीशन यानी कि अभी हमने पीछे क्या देखा कि अगर आप कंडीशन को ब्रीच करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है वो रिजेक्ट कर सकते हैं आप रेप्यूडेट कर सकते हैं लेकिन यहां पे कुछ कंडीशन ऐसी भी होती हैं कुछ केसेज में कि जहाँ पे कंडीशन को वारंटी ट्रीट करते हैं और उसको कंडीशन को ब्रीच करने पे भी हम जो कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड नहीं कर सकते यानी कि उसको हम रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं जैसे व्हेन द बायर एल्टोदर वेव्स द परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशन यानी कि बायर ने खुद ही बोले कि कोई बात नहीं हम जो मेन कंडीशन है उसको परफॉर्मेंस को वेव ऑफ करते हैं छोड़ देते हैं तो ऐसे केस में अगर वो कंडीशन टूटती है तो हम प्रोडक्ट को रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं वेर द बायर इलेक्ट्स टू ट्रीट द ब्रीच ऑफ कंडीशन एज वन ऑफ ए वारंटी यानी कि बायर ने खुद ही चूज़ किया है कि हम जो कंडीशन है उसको एक वारंटी की तरह, तरह समझेंगे और उसको ब्रीच करने पे कोई भी दिक्कत नहीं है वायर कॉन्टैक्ट इज़ नॉन सेवरेबल एंड द बायर हैज एक्सेप्टेड आइदर द होल गुड्स और एनी पार्ट यानी कि जो कांटेक्ट है वो नॉन सेवरेबल है और बायर ने चाहे पूरा चाहे कोई एक पार्ट उसको एक्सेप्ट कर लिया है वेल द फुलफिलमेंट ऑफ एनी कंडीशन और वारंटीज एक्सक्यूज बाई लॉ बाई रीजन ऑफ इंपॉसिबिलिटी और अदरवाइज़ यानी कि जहाँ पे फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन है या वारंटी है उसको एक्सक्यूज़ कर दिया गया है लॉ द्वारा क्यों क्योंकि उसको परफॉर्म नहीं किया जा सकता जैसे कि इंसॉलमेंट हो गया डेथ हो गई तो इसकी वजह से क्या है उसको एक्सक्यूज कर दिया जाता है लॉ द्वारा तो ऐसे केस में भी अगर आप कंडीशन को तोड़ते हैं तो उसको हम वारंटी ब्रीच ऑफ वारंटी की तरह समझेंगे और कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट नहीं करेंगे कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडेट नहीं कर सकते हैं तो कुछ कंडीशन है जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट को हम वारंटी की तरह समझते हैं सेक्शन थर्टीन में अब आता है एक वर्ड कैविट एम्प्टर ये क्या होता है so doctrine, means, तो द डॉक्टर कैविट कैवेट एम्टर मीन्स लेट द बायर बी अवेयर तो नॉर्मली हम जब भी कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो ये बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो प्रोडक्ट को अच्छे से जांच ले समझ ले देख ले उसके बारे में सारी जानकारी इकट्ठा कर ले उसके बाद ही उसको परचेज करे लेट द बायर बी अवेयर कैविट एम्प्टर इट्स बायर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक ए प्रॉपर सिलेक्शन और चॉइस ऑफ गुड्स ये बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो प्रॉपर सिलेक्शन करे और गुड्स को सही से चूज करे इफ़ द गुड्स टर्न आउट टू बी डिफेक्टिव ही शी कैन नॉट होल्ड द सेलर लाइबल यानी कि अगर गुड्स जो है गुड्स में कोई भी डिफेक्ट होता है कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो फिर सेलर को लायबल नहीं रख सकता यानी कि सेलर की गलती उसमें नहीं निकाल सकता उसकी खुद की गलती होगी द सेलर इज इन नो वे रिस्पॉन्सिबल फॉर द बैड सिलेक्शन ऑफ द बायर यानी कि बायर ने बैड सिलेक्शन किया है उसके लिए सेलर किसी तरीके से भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा इट इज द ड्यूटी ऑफ बायर टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ हरसेंग गुड्स की ड्यूटी होती है कि वो कोई भी प्रोडक्ट परचेज करने से पहले कोई भी गुड्स को परचेज करने से पहले अपने आप को सेटिस्फाई कर ले रूल ऑफ कैबिटेर सेक्शन सिक्सटीन में रूल ऑफ कैबिटेटर को पॉइंट आउट किया गया है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और एनी अदर लॉर द टाइम बिंग इनफोर्स देर इज नो इंप्लायड वॉरंटी और कंडीशन एज टू द क्वालिटी और फिटनेस फॉर एनी पर्टिकुलर पर्पज और ऑफ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कि यहाँ पे कहा गया है कि कोई भी इंप्लाइड वॉर कंडीशन नहीं होगी क्वालिटी ऑफ फिटनेस किसी भी पर्टिकुलर पर्पज के लिए जो आप गुड्स खरीद रहे हैं वहाँ पे रिस्पांसिबिलिटी किसकी होगी बायर की होगी कि वो अच्छे से चेक करके कि और अपने आप को सेटिस्फाई करके ही कोई भी प्रोडक्ट परचेज करे लेट द बायर बी अवेयर कुछ केसेस में इसमें हम छूट भी देते हैं कैवेटम्प्टर में जैसे कि सपोज करिए आपने स्पेसिफाई किया था सेलर को कि मुझे किस पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए कोई भी चीज़ चाहिए तो ऐसे केस में जो है फिर वहाँ पर सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इसी तरीके से वे द गुड्स आर सोल्ड बाई डिस्क्रिप्शन जहाँ पर गुड्स को किसी पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग सोल्ड किया है तो वहाँ पर भी ये रूल कैवेटम्प्टर का रूल नहीं लागू होता है इसी तरीके से जहाँ पे गुड्स को हमने सैंपल के बेसिस पे ब्रॉट किया यानी कि एक सैंपल देखा उसके बेसिस पर हमें बहुत सारा सामान मंगवाया तो ऐसे केस में भी कैवे टेम्पेटर वहाँ पर रूल लागू नहीं होता यानी कि हमने आप सैंपल देख के मनाया अब सारे जो हम बहुत सारे प्रोडक्ट मंगा रहे हैं उस सैंपल को देख के तो हम सभी सैंपल को सभी प्रोडक्ट को चेक नहीं कर सकते तो हम ये मान के चलेंगे कि जो आपने हमें सैंपल देखा था उसी के अकॉर्डिंग बाकी सारे प्रोडक्ट हैं तो अगर उसमें कोई डिफेक्टिव होता है यहाँ पे फिर सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी तो कई केसेस में कैवे टेम्पटर के रूल से जो है छूट भी मिलती है फिर है ट्रांसफर ऑफ टाइटल यानी कि जो आप ऑनरशिप ट्रांसफर करते हैं तो सेक्शन 27 से 30 में डिफाइन किया गया है तो ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप फ्रॉम सेलर टू बायर इन थ्री स्टेजेस यानी कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स में जो ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप होता है वो तीन स्टेजेस में होता है पहला द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन द गुड्स यानी कि जो आप गुड्स से जो प्रॉपर्टी है उसको ट्रांसफर करते हैं किसको सेलर से बायर को जाता है फिर ट्रांसफर ऑफ पोजीशन ऑफ द गुड्स बाय गिविंग डिलीवरी फिर उसके बाद क्या होता है पोजीशन को भी आप जो है ट्रांसफर कर सकते हैं कैसे करके डिलीवर करके यानी कि पहले तो आपके पास था आपने रिटर्न में दे दिया उसके बाद फिर आपने गुड्स को बायर के यहाँ पहुँचा दिया यानी पोजेशन भी अब बायर के हाथ में आ गई डिलीवरी करके फिर द पासिंग ऑफ जो भी रिस्क होता है उस प्रोडक्ट के साथ गुड्स के साथ वो सारा रिस्क पास हो जाता है किस पे बायर के पास तो इन तीन स्टेप से हम जो भी ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप को परफॉर्म करते हैं इन जनरल द सेलर सेल ओनली सच गुड्स ऑफ विच ही इज एब्सोल्यूट ऑनर ये एक कंडीशन है अभी आप देखेंगे एक वर्ड आएगा तो जनरली क्या होता है कि जो सेलर है वो उन्हीं गुड्स को ट्रांसफर कर सकता है जिसका वो खुद पूरा मालिकाना हक उसके पास होता है इफ़ द सेलर इज नॉट द ऑनर ऑफ गुड देन द सेलर कैन नॉट ट्रांसफर द ऑनरशिप टू बायर यानी कि कोई ऐसा गुड्स कोई ऐसा प्रोडक्ट जिसका सेलर खुद ऑनर नहीं है वो दूसरे को ऑनर सिर्फ उसकी ट्रांसफर नहीं कर सकता है दिस रिलीज एक्सप्रेस इन द लैटिन मैक्सिम नेमो डेट क्विड नॉन लैटिन है लैटिन इसका मतलब क्या होता है? नो वन कैन गिव वॉट ही आप किसी को वो चीज़ नहीं दे सकते हैं जो आपको खुद नहीं मिली है इसी तरीके से सेलर उन गुड्स की ऑनरशिप ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है बायर को जिसकी ऑनरशिप उसके पास खुद नहीं है तो नेमो डेट क्विड नॉट हैबिट ये ट्रांसफर ऑफ टाइटल में आता है अनपेड सेलर अनपेड सेलर को सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 थर्टी में अंडर सेक्शन फोर्टी फाइव ए में डिफाइन किया गया है सेलर ऑफ़ गुड्स इज डीम टू एन अनपेड सेलर यानी कि कोई भी गुड्स का सेलर उसको हम अनपेड सेलर तब मानेंगे जब वो नीचे दिए गए किन्हीं दो दो में से किन्हीं एक को फुलफिल करेगा पहला है कि द होल ऑफ़ द प्राइस हैज़ नॉट बीन पेड और टेंडर्ड एंड द सेलर हैड एंड इमीडिएट राइट एक्शन फॉर द प्राइस यानि कि सेलर को पूरा प्राइस पे नहीं किया गया है कुछ पे कर दिया गया और कुछ बाकी रह गया है तो ऐसे केस में हम सेलर को अनपेड सेलर मानेंगे या फिर ए बिल ऑफ एक्सचेंज और अदर निगोशियबल इंस्ट्रूमेंट वॉज गिवेन एज पेमेंट बट द सेम हैज बिन अनलेस दिस पेमेंट वॉज एन एब्सोट एंड नॉट ए कंडीशनल पेमेंट यानी कि बायर ने सेलर को कोई भी बिल ऑफ एक्सचेंज या फिर कोई दूसरा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिया था लेकिन वो डिसऑनर्ड हो गया यानी कि वो बाउंस हो गया और सेलर को उसका पूरा प्राइस नहीं मिला तो ऐसे केस में भी हम उसको अनपेड सेलर ही मानेंगे सपोज करिए कि पहले केस में एग्जांपल देखें तो एक्स ने वाई से फिफ्टी थाउजेंड रुपीज का कोई प्रोडक्ट परचेज किया तो वाई ने फोर्टी थाउजेंड रुपीज एक्स को पे कर दिया लेकिन जो रिमेनिंग टेन थाउजेंड था वो पे नहीं किया तो ऐसे केस में हम एक्स को क्या मानेंगे अनपेड सेलर मानेंगे इसी तरीके से सपोज करिए सेकेंड केस में कि एक पी एंड आर है तो पी जो है सेलर है वो आर है बायर है तो पी ने आर को सिक्सटी में कोई गुड्स सेल किया और आर ने उसके बदले पी को एक चेक जो है दे दिया फुल प्राइस के साथ यानी कि फुल अमाउंट के साथ आर ने पी को एक चेक दे दिया लेकिन जैसे ही चेक को पी ने बैंक में लगाया तो चेक जो है वो डिसऑनर हो गया बाउंस हो गया तो ऐसे केस में हम पी को क्या मानेंगे अनपेड सेलर मानेंगे तो अनपेड सेलर वो है सेलर जिसका पूरा पेमेंट नहीं हुआ है बायर द्वारा तो उसको हम क्या कहते हैं अनपेड सेलर कहते हैं तो कुछ राइट्स दिए गए हैं एस्पेशियली अनपेड सेलर को राइट ऑफ एन अनपेड सेलर तो जब किसी भी सेलर को उसका पेमेंट नहीं होता है तो उसके पास कुछ राइट्स होती हैं अगेंस्ट गुड्स अगेंस्ट बायर्स अगेंस्ट बायर एन अनपेड सेलर हैज बिन एक्सप्रेसली गिवन द राइट अगेंस्ट द गुड्स एज वेल एज बायर राइट अगेंस्ट द गुड्स तो गुड्स के अगेंस्ट क्या राइट right है सेलर का अनपेड सेलर का वो हम देख लेते पहले तो पहला है राइट टू लीन सेक्शन फोर्टी में उसको दिखा गया राइट टू लीन यानी की पोजिशन रखने का हक अगर बायर पूरा पैसा नहीं देता है आ, सेलर को तो उसके पास ये राइट होता है कि वो गुड्स को प्रोसेस करके रखे राइट ऑफ लेन ओके दूसरा राइट है राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट यानी कि कोई भी प्रोडक्ट है कोई भी गुड्स है उसको ट्रांसपोर्टेशन में डाल दिया गया है सेलर के साइड से बाद में पता चलता है कि आ, जो बायर है वो इंस्टॉलमेंट हो गया या फिर वो पैसे पे नहीं कर रहा है तो ऐसे केस में सेलर के पास ये राइट होता है कि वो ट्रांजिट में जो गुड्स है ट्रांसपोर्टेशन में उसको स्टॉप करके उसको वापस ले सकता है अपने अधिकार में पोजिशन में वहीं पर तीसरा राइट है राइट ऑफ रीसेल तो सेलर के पास अनपेड सेलर के पास ये राइट होता है कि वो उस प्रोडक्ट को गुड्स को रीसेल भी कर सके जैसे कि दो केस होता है पहला तो कि अगर पेरिसेबल नेचर का गुड्स है यानी कि जो खराब होने वाला गुड्स है तो उसको बिना बायर को इंटीमेट किए ही वो उसको रीसेल करता है कर सकता है वहीं पे अगर वो पेरिसेबल नेचर का गुड्स नहीं है तो ऐसे में आप जो है बायर को इंटीमेट करते हैं अगर वो इंटीमेट एक टाइम ड्यूरेशन देते हैं अगर उस टाइम ड्यूरेशन में वो नहीं आता है तो आप उसको रीसेल कर सकते हैं आपके पास यानी कि अनपेड सेलर के पास उसके पास राइट right होता है कि वो प्रोडक्ट को रीसेल कर सके तो राइट अगेंस्ट द गुड्स ऑफ अनपेड सेलर राइट टू लीन यानी कि उसको प्रजेस्ट करके रखना उसका मालिकाना हक अपने पास रखना राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट जो भी आप ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू भेज रहे हैं डिलीवर कर रहे हैं उसको आपके पास अधिकार होता है उसको स्टॉप करके वापस ले आए और राइट टू रीसेल यानी कि आपके पास रीसेल करने का भी राइट right होता है अगर जो बायर है वो आपको पेमेंट नहीं करता है दूसरा है राइट अगेंस्ट द बायर तो अनपेड सेलर का बायर के अगेंस्ट भी कुछ राइट्स होते हैं जिसको सेक्शन 55 से 61 में बताया गया है तो पहला है सूट फॉर प्राइस यानी कि जो प्राइस नहीं पे किया गया है बायर द्वारा उसके लिए वो सीव कर सकता है यानी कि केस कर सकता है बायर पे सूट फॉर डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस यानी कि सेलर ने प्रोडक्ट को बनाया उसके बाद उसको आ, क्या कहता है कि बायर को सेल किया बायर ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया तो ऐसे में जो भी डैमेजेस हुए हैं उसके लिए भी जो है अनपेड सेलर स्यू कर सकता है केस कर सकता है रेपोडेश रेपूडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर ड्यू डेट यानी कि जो ड्यू डेट है जिस जब तक उसको सेलर को प्रोडक्ट को बना के गुड्स को बना के इस बायर को देना है उससे पहले वो रेप्यूडेट कर, कर सकता है यानी कि उसको रिजेक्ट कर सकता है ऑफर को कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को क्यों क्योंकि उसको पेमेंट नहीं हुआ सूट फॉर इंटरेस्ट यानी कि जो भी पेमेंट में लेट किया गया है कि पेमेंट अभी तक जितना अमाउंट पेमेंट नहीं किया गया उस पर कुछ रिजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ वो इंटरेस्ट के लिए भी स्यू कर सकता है किस कर सकता है बायर के ऊपर तो ये कुछ राइट्स थे वहीं पर कुछ रेमेडीज़ भी हैं बायर के लिए जो अगेंस्ट सेलर के यानी कि जो सिर्फ सेलर के पास राइट नहीं बायर के पास भी कुछ राइट्स होती हैं इफ़ द सेलर कमिट्स ए ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यानी कि अगर सेलर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करता है तो बायर के पास भी कुछ राइट्स होती है जैसे कि डैमेजेस फॉर नॉन डिलीवरी यानी कि अगर सेलर ने बायर को प्रोडक्ट डिलीवर नहीं किया तो ऐसे केस में बायर के पास ये राइट होता है कि वो नॉन डिलीवरी के लिए नॉन डिलीवरी की वजह से जो भी डैमेजेस हुए हैं उसके लिए वो केस कर सकता है सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस यानी कि सेलर से जो परफॉर्मेंस की बात की गई थी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में वो परफॉर्मेंस करवाने के लिए सूट कर सकता है सूट फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी जो भी ब्रीच ऑफ़ वारंटी की गई है सेलर द्वारा उसके ऊपर भी जो है केस कर सकता है बायर सूट फॉर डैमेजेस फॉर रेपूडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय द सेलर बिफोर द ड्यू डेट यानी कि ड्यू डेट से पहले अगर सेलर अपनी तरफ से रिजेक्ट करता है तो ऐसे केस में बायर के पास राइट होता है रेमेडी होता है कि वो डैमेजेस के लिए जो भी उसकी वजह से हुआ है उसके ऊपर वो केस कर सके फिर सूट फॉर इंटरेस्ट सिमिलरली कि अगर सेलर ने बायर ने पूरा पैसा सेलर को दे दिया था लेकिन सेलर ने उससे पहले जो है रिजेक्ट कर दिया रेप्यूडेट कर दिया तो ऐसे केस में वो इंटरेस्ट पे भी चार्ज कर सकते हैं यानी कि जो भी अमाउंट हमने पहले दिया था आपने ड्यू डेट से पहले रिजेक्ट कर दिया और आपको जो एडवांस पैसा दिया था तो वो जो एडवांस पैसा दिया गया उस पर आप इंटरेस्ट के लिए केस कर सकते हैं तो ये कुछ रेमेडीज हैं जो कि बायर के भी होते हैं अगेंस्ट दी सेलर